कुछ झूठी हदीसें ऐसी होती है कि एक आदमी एक आम आदमी भी सुन के लगा देगा एक गप है। जैसे मैं आपको सुनाऊँ एक हदीस है, ये गुलबर्गा के जो बुजुर्ग हैं उनकी किताब है जवामिल कलीम, उसमें लिखी हुई है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे तो आपके सामने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कंधे पे यजीद को बिठा के लाए। अल्लाह के नबी सब बैठे हुए हैं तो नबी के दरबार में, नबी के घर पे, नबी के पास अमीर मुआविया आए मिलने के लिए। तो अमीर मुआविया जब आए तो अपने बच्चे को यानी यजीद को, जो बाद में खलीफा बना, उस यजीद को अपने गोद में बिठा के, कंधे बिठा के लाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा तो कहा कि जन्नती के कंधे पे जहन्नमी सवार है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? कहा जन्नती के कंधे पे जहन्नमी सवार है। अब ये तो बड़े बुजुर्ग ने अपनी किताब में लिख दिया हाँ, अब जो एकदम जाहिल होगा, उठा छाप होगा, जिसको कुछ नहीं पता है, वो तो कहेगा सुभान अल्लाह, अमीर मौवे जन्नती हैं, यजीद जहन्नमी है। लेकिन जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा वो कहेगा ये तो जैसे बच्चों की चॉकलेट वाली नोट है ना, वैसे ये भी हदीस है। क्योंकि इस हदीस में क्या दिखाया जा रहा है कि यजीद नबी के दौर में मौजूद है, जबकि यजीद नबी के दौर में पैदा ही नहीं हुआ। यजीद उस्मान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु के दौर में पैदा हुआ, नबी के दौर में था ही नहीं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के दौर में भी पैदा नहीं हुआ, तो बताइए हदीस हो सकती है, है? क्या दोबारा जन्म हुआ था उसका? वो पैदा हो रहा है अल्लाह अकरम सल्लम की वफात के बाद, नबी के दौर में कहाँ से आ जाएगा वो? तो ये इस तरह की झूठी बातें, मतलब थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी, यानी बहुत ज़्यादा किसी बहुत बड़े मुहद्दिस से कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तारीख कोई जानता है, छोटी मोटी मालूमात है, और किसी ऐसे आदमी को देखे कि सुना रहा है, तो वो वहीं पर फैसला कर देगा कि झूठी रवायत है। ऐसे एक और मिसाल दे दूँ आपके सामने, मुहर्रम में 10 दिन का जो स्टेज लगता है ना, तो जब मैं वहाँ पे था अशोकनगर में, तो वहाँ 10 रोज़ा जो मुहर्रम का स्टेज लगता है उसमें एक आया था तकरीर करने के लिए। तो एक वाक़या बहुत झूम झूम के सुना रहा था। क्या वाक़या सुना रहा था? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो अल्लाह के नबी की बेटी हैं, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह अन्हा, तो कहते हैं कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की पैदाइश जन्नत का तोहफ़ा है। तो क्या बयान कर रहा था वाक़या? बयान ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए, मेराज जहाँ नमाज आपको दी गई, तो जन्नत में आपको एक आपको खाने के लिए एक जन्नती फल दिया गया, सेब दिया गया, जन्नती फल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस फल को तनाउल फरमाया तो उस फल को खाने की वजह से जिस्म में जो कुव्वत पैदा हुई, यानी मर्दाना कुव्वत कहते हैं, फिर आप जब नीचे आए तो अपनी बीवी यानी अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपने ताल्लुक़ कायम किया, हम बिस्तरी किया, तो उसके नतीजे में फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुई। तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की फजीलत को बयान करने के लिए उनका ताल्लुक जन्नत से जुड़ा, ये झुंझुन का बयान कर रहा है। अब एक आम आदमी तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलेगा, लेकिन जो ज़रा सा भी पढ़ा लिखा है वो सोचेगा कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो मेराज के वाक़े से पहले पैदा हो चुकी हैं। जब मेराज का वाक़या हुआ तो फ़ातिमा उससे पहले दुनिया में आ चुकी हैं, पैदा हो चुकी हैं। तो ये वो हदीस है ना, जिसे जिसको मैं कहता हूँ कि बच्चों के चॉकलेट में जो नोट आती है ना, नकली नोट, उस तरह की है ये हदीस है। कि एक आम आदमी भी पता लगा लेगा, थोड़ा सा तवज्जो देगा कि झूठी हदीस है। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।